Oluyor. Gider. मैम बाइट्स बाइट्स बस रोल चलो रोल फोकस ऊपर घूम पल ले भाई तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ आपकी शाम के बारे में शाम के बारे में क्या कहूँ मतलब सबसे जो औरतों ने बेहतरीन काम किया है उनको फेलिसिटेट किया जाने वाला है अवार्ड्स मिलने वाले हैं उनकी जो अपनी अपने फील्ड में जिन्होंने एक्सलेंस दिखाया है इट्स अ ग्रेट थिंग एंड यूर जस्ट वुमेन के लिए एक बूस्ट होता है टू डू बेटर वर्क अहेड सो सैरी अवार्ड्स इज ऑल अबाउट दैट उटफिट फ्रॉम स्मिताशा और आई एम वेयरिंग टुडे और इयररिंग्स और इयररिंग्स और रिंग मैंने पहने हैं अनमोल ज्वेलर्स की आई लव डायमंड्स एंड इट्स मोर देन इट्स Kenya is always known for to support women empowerment. So, what do you like to say about this initiative? That's what I just said. That you know, it's a great thing to give that much of boost and that much of confidence to a woman. Actually, you know, when a woman is given an award for her work, then behind that, there are 10 women who get that confidence that if they have done it, then we can also get it. Which just gives you that much of energy and that much of motivation. Do better work in their own lives. Oh, so what is the status of your movie, Ram? How much is completed? The film is completed already. Yeah, the film is scheduled to release in October, and the post-production will the promotions will start as soon as possible. And right now they are in the post-production phase. Okay, you are also doing a race, right? Well, to be honest, I have heard things what you are talking class. About. ऑन सोशल मीडिया और ऑब्वियसली आप ही के थ्रू मुझे पता चला है मैं इतना जानती हूँ जब जय हो के टाइम पे रमेश जी ने मेंशन किया था रेस के बारे में बट उसके बाद कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ और वो टॉपिक वहीं पे ख़त्म हो गया तो अभी क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो चीज़ के ऊपर मैं नहीं जानती हूँ बट एज ए से लाइक आई डोंट नो इट माइट बी अ रूमर बट इफ दैट्स अ रूमर आई वुड रियली वांटेड टू बी हैपनिंग सून थैंक यू एकदम मस्त ट्रेलर आहे आवडला मला तपशील Long time. Yes.
ट्रेलर बहुत ही अमेजिंग है और 1 million कुछ ही घंटे में 1 million क्रॉस कर गया, तो आप बताइए कि क्या फील करती है जब इस तरह से? आई एम नॉट रियली सरप्राइज, क्योंकि जब ये पिक्चर के बारे में जब लोगों को पता चला था उसी टाइम से जो हाइप है इस मूवी की, तो आई एम नॉट रियली सरप्राइज. एंड व्हेन आई सॉ द ट्रेलर, आई हैड सीन इट बिफोर, थोड़ा पहले देखा था मैंने ट्रेलर, तो मुझे देख के लगा था कि ये एकदम ऑडियंस इस पे कूद के गिरने वाली है इसके ऊपर इस ट्रेलर पे. सो आई एम जेन्युइनली नॉट सरप्राइज, बट अब जो है ना एक्सपेक्टेशन का मीटर बहुत हाई हो गया है. सो अब तो हम सब फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हैं, अब तो जो करना था हमने कर लिया, तो वो जो एक्सपेक्टेशन और जो बिल्डअप ऑडियंस ने हमारे को दिया ना, उस पर हम लिव अप कर पाते हैं, नहीं वो महीने डेढ़ महीने में पता चल जाएगा. सो अब वो काउंट डाउन शुरू हो गया हमारे लिए. और कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल शूट का जुड़वा 2 का? यार वो जुड़वा 2 की शूटिंग पे थोड़ा ना ही हूँ मैं, यहाँ पे इसकी भी बातें करनी. शूट का एक्सपीरियंस वो आपको मेरे सारे प्रमोशन के टाइम वही बात करूँगी मैं, वो आप मेरे तब सुन लेना. ओके ओके, विच इज योर फेवरेट सॉन्ग? मतलब टन 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 टन, मेरे को मेरे सारे गाने, मेरे को ऐसे नाचने गाने वाले गाने कम ही मिलते हैं, तो मेरे सारे फेवरेट हैं वो. ओके, तो आज की शाम से भी एक्सीलेंस अवार्ड है, तो क्या करना चाहिए? मतलब हालांकि मैं और मेरे और अवार्ड्स का नाता जो बहुत टॉम एंड जेरी टाइप का है, तो जो कुछ मुझे रिकग्निशन मिलता है वो भी इस तरह के, जो सिर्फ अपने एक एक टैलेंट को लेके नहीं होते, कुछ ओवरऑल अचीवमेंट्स को लेके होते हैं, वो मेरे को बहुत अच्छा महसूस कराते हैं कभी कभी, कि बिना कुछ मांगे दिए अगर कोई तुम्हारी तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा ऑब्जर्व कर रहा है कि तुम वर्थी हो कुछ जीतने के, जो कि तुम्हारी एक्टिंग के बियॉन्ड है, आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ बिकमिंग अ पब्लिक पर्सनैलिटी. क्योंकि अगर अपने स्टारडम या अपने एक्टिंग के थ्रू अगर आप एक ऐसी इमेज क्रिएट कर पाते हैं जिससे आप लार्जर ऑडियंस को अटेंड कर सकते हैं और उसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो वो आई थिंक एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है अपने आप में. सो वो सेलिब्रेट करने आते हैं. मैम सेवियो मेनली वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती है और उनको पूछ करती है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी हाँ, काफ़ी सिनोनिमस है जिस चीज़ों के लिए मैं स्टैंड करती हूँ. मेरे लिए बेसिकली जेंडर इक्वालिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमेशा से, और इस उसी की डायरेक्शन में मैं काफ़ी काम करना चाहती हूँ, कर रही हूँ, और जहाँ तक हो पाएगा करूँगी भी आगे, क्योंकि मेरे लिए ये कंट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम पे, जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. ओके मैम, थोड़ा अपने अटायर के बारे में थोड़ा बताना चाहिए. अच्छा अटायर, ठीक है पहले अटायर. एक्चुअली टुडे अटायर इज़ वेरी स्पेशल, मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज हैज़ डिज़ाइन दिस आउटफिट फॉर मी. पहली बार मैं उसका डिज़ाइन किया हुआ आउटफिट डाल रही हूँ. मनी, हर नेम इज़ मनी भाटिया, सो शी इज़ डिज़ाइन दिस आउटफिट फॉर मी स्पेशली फॉर दिस इवेंट. तो बहुत नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग होती है, जिसके साथ तुम पले बड़े हो वो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशली डिज़ाइन करके तुम्हारे को दे रही है. सो दैट्स व्हाई इट्स स्पेशल मनी. थैंक्स. ये मैगजीन की कवर पेज पे मैंने देखा अभी जस्ट, बहुत ही मतलब हॉट लग रही है आप. ओह थैंक यू, अभी मेरा हॉट सीजन चल रहा है. ट्रेलर में भी हमने देखा, तो आप बताइए कैसा रहा? हाँ मतलब मेरी समर स्टार्ट हुई है अभी. नहीं आई थिंक एज एन एक्टर गियर चेंज करते रहना चाहिए, तो ये मेरा नेक्स्ट गियर है, इसके बाद शायद कुछ और बदलेगा. तो इससे इतना कहना चाहूँगी कि आपको मैं स्टीरियोटाइप नहीं करने दूँगी अपने आप को इतनी आसानी से. Thank you. Let's do one together. Just take my Shrestha Savvy Excellence Award logo. Our first award of the night, the lovely chief guest, the editor, and the stage himself. Congratulations and thank you so much. A few words. Savvy, I only want to say in extension to what Amrita said, Margaret Thatcher very rightly said that if you want something said, please speak to a man, but if you want something done, definitely speak to a woman. I hope that in public life, the few women of us who are in the space of politics, which is predominantly a male-centric field, I hope we're heard. I hope we're able to participate only to make a better society. And for those who rubbished me off as a glamour, sari,
queen of drapes or whatever, or as a fashion designer who knew nothing about politics. This award is for all of them because I stood my own and 14 years down. Hopefully you won't rubbish me off as somebody from the glamour industry, but as somebody who is a thinking person from the glamour industry who wants to contribute to a better society. Thank you. Thank you, Sabi. Absolutely. I've seen those films. And the official acting, please give her a big round of applause. Tapsee Pannu, actress. Tapsee Pannu is an Indian actress and model known for her work in South Indian cinema and Bollywood. Congratulations once again. And that's the award. One of India's most promising intelligent actresses, Tapsee Pannu. We sure can give a bigger round of applause. I always end up getting in trouble if I try to be a little funny at formal dues. Good evening, everyone. Such kind of event, especially when it's about women empowerment, I like to start with these few lines. Largest democracy in the world, and we're still talking about gender equality. Highest number of female goddesses, still we complain about domestic violence. We are about to reach Mars, and we are still discussing women empowerment. That is the state of affairs here. But we still have hope, and that is what I can see right out here. I mean, I was so overwhelmed when I got to know that the kind of women who are getting honored here, they're not just about one profession. Like Shana and Simam, she's not only just a designer, but a politician. And there was so, like Jayanti who just came, she's a stylist and an entrepreneur. So many of us don't just don one hat. And I'm talking about something beyond being a mother, a wife, a daughter, because trust me, those are some really heavy, heavy responsibilities. We all know that out here. Congratulations to all of you. I just want to share a small anecdote which gave me strength to carry on and move forward from where I started to where I've reached and further. I started off, I'm a BTEC CSE, I'm a software engineer by qualification, but I started off in South. A few films down when I was trying to get a hang of acting, trying to still understand how does this film industry work, because I was fairly new and I never boasted about the fact that, oh, I'm a great actor and I should be the next big thing. It just fell in my laps and I just grabbed it. So in the beginning, of course, we tend to make mistakes and learn. And I started getting a tag of an iron leg just because I was a girl who went wrong in choosing a few films. And those films bombed, but not because of me, because I just had like 3 songs and 5 scenes in the film to do. Nothing more than that. But such was the fate that a couple of films down, they were like, oh, she's an iron leg. But for someone who doesn't know what iron leg here means, it's probably the biggest bad luck around. Turning the table and then reaching out here, doing a couple of films, which after knowing what acting is all about and how to probably go about in the industry, today I can go back and command what I really want to do, films, make them a success without having a hero in the film. I think the strength that I got to do all this was because of those tags and those failures that I received before. I just hope all of us, I'm sure all of us have received those kind of failures in life. All of us take strength from those and keep moving ahead, because if you've reached this far, I'm sure we can go ahead. Thank you. Thank you, congratulations. Can you please stay on stage with us? Yes. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Andrea. Ah, wow. What an amazing lineup of incredible women tonight. But it doesn't end here. Ladies and gentlemen, it's time to move the holistic health guru, Dr. Mickey Mehta, and the ravishing Pooja Baidi to give
our next award. Our first awardee in the excellency category is a young, hardworking, and passionate makeup artist. Agrika Khadra has an own makeup academy in Delhi and is a well-known makeup artist on the sets of many of film and TV shows. She loves her job and takes pride in helping people enhance their true beauty. Agrika Khadra, a big round of applause please for her. And I want to wish you this. If you're looking, a big round of applause for Daisy Shah and our other guest, Asma Gulzar. Fabulous designer as well. Our next awardee is an entrepreneur. She's Ekta Tarun Wasson, a self-trained fashion enthusiast and designer. She launched the Wasson College Hub to satiate the need of finishing, educate, and image industry in India. Can we please welcome Ekta Tarun Wasson and congratulate her with a round of applause. We can do better, guys. The audiovisual, please. Thank you.
Thank you so much, and congratulations once again to all the awardees. Thank you, Andrea. Thank you, Mr. Hira. Thank you, Tafsir, for being here with us tonight. And many more covers to come for you. Congratulations. That brings us to the close of the ceremony tonight. Thank you all for coming out tonight to support us having magazine and making it even more special. We would like to thank Todd Santa Cruz for hosting us. A big, big thank you to you. And a special thanks to Seagram. To all those who have worked to make tonight a roaring success.